पार्टनरशिप के काम में आपस में चाचा भतीजा लगने वाले दो पार्टनर्स का विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ पहुंची। चाचा ने अपने पुत्र के साथ मिलकर खैल बाजार में स्थित अपने भतीजे की दुकान पर जाकर अपने भतीजे और भाई पर हथौड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। अमित का कहना है कि 10-15 दिन पहले भी उसके चाचा मारपीट करने के इरादे से कुछ व्यक्तियों को लेकर उसकी दुकान पर आए थे। अमित ने बताया कि उसका और उसके चाचा का इंसार चौक में पार्टनरशिप में काम था, जिसका पहले ही वह हिसाब कर चुका है। अमित ने बताया कि 8 साल पहले वह इंसार चौक में अपनी दुकान पर काम कर रहा था। इंसार चौक वाली दुकान पर उसके चाचा ने जबरदस्ती आकर कब्जा कर लिया और वह अपना सामान उठाकर खैल बाजार में अपनी पुरानी दुकान पर अपने पिताजी के पास आकर काम करने लगा। अमित का कहना है कि उसका चाचा उसे नाजायज तौर पर सोने की मांग कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। सुबह करीब 11 बजे अमित अपनी दुकान पर अकेला था। उसके चाचा ने उससे पेटी की चाबी मांगी और कहा कि यदि चाबी नहीं दी तो तुझ पर तेजाब फेंक दूंगा। उसके चाचा और चाचा के लड़के ने आकर झगड़ा शुरू कर दिया और हथौड़ी से अमित पर लगातार वार किए। हमले की वजह से, मारपीट की वजह से अमित के 2 दांत टूट गए और उसके होंठ भी कट गए। उसके होंठ पर 5 टांके आए हैं। सिर पर हथौड़ा लगने की वजह से सिर में 7 टांके आए हैं। अमित और उसके पिता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यह महज मारपीट नहीं जानलेवा हमला था और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। पुलिस ने CCTV की कवरेज को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और प्राथमिकी दर्ज कर ली है। करा मेरे को मारा, ये सुबह सुबह दुकान पे आज से 10-15 दिन पहले भी 15-20 लड़के लेके आया था दुकान पे मारने के लिए। 25 आदमी इसका हमारा हिसाब हो रखा। पहले मैं इंसार चौक पे बैठा था, बहू जी वहाँ पे ये आके बैठ गया जबरदस्ती, तो मैं वहाँ से अपना सामान अपनी पुरानी दुकान पे ले आया जो वहाँ पे मैं 8 साल से इंसार चौक पे बैठा था। वहाँ के गवाह प्रधान जी, मुल्क राज जी हैं, सारा बाजार गवाह है कि यहाँ पे कौन बैठता था 8 साल से। जो मेरा थोड़ा बहुत सामान था मैं वो उठा के अपना अपने पापा के पास हमारी पुरानी दुकान पे आ गया। अब ये बाबू जी हमसे सोने की मांग कर रहा है कि हाँ जी मेरे को इतना सोना दे दो नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। क्या हुआ आज, क्या हुआ आज? बाबू जी मैं दुकान पे अकेला बैठा था, सुबह सुबह 11 बजे का टाइम था, ना मेरे पिताजी थे ना मेरे भाई थे। सुबह सुबह ये आया, तेजाब की बोतल इसके हाथ में थी और मेरे को कहने लगा भी मेरे को पेटी की चाबी दे दे, सारा सोना निकाल के दे दे नहीं तो मैं तेरे पे तेजाब घेर दूंगा। इसने मेरे छीना छपटी करी और भाऊ जी मैंने जब इसको हाथ पकड़ा तो इन्होंने बाप बेटे ने पहले कैमरा बंद करने की कोशिश करी। जब कैमरा बंद नहीं कर सके तो इन्होंने मेरे को दोनों ने नीचे लिटा के मेरे सर पे हथौड़े मारे, जिससे 7 टांके मेरे सर पे हैं। ये मेरे 2 दांत तोड़े, यहाँ पे हथौड़ा मुँह पे मारा, होंठ मेरा कट गया भाऊ जी, 5 टांके मेरे यहाँ लग गए, यहाँ मेरे पिताजी के यहाँ कंधे पे मारा, जिससे भाऊ जी इनके यहाँ पसली में फ्रैक्चर आ गया। तो पुलिस को शिकायत करी आपने? पुलिस को भाऊ जी हमने पहले से भी शिकायत कर रखी है, पहले भी इनके नाम को पर्चा करवाया था, कच्ची FIR लिखवाई थी, जिस पर तो तब भी कार्रवाई नहीं हुई। अब भी हम भाऊ जी सुबह के यहाँ लिखवा रखे, अब यहाँ बैठे हुए 2 घंटे हो गए हैं जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि मेरे को खुद इतनी तबीयत खराब है कि मैं प्रेम हॉस्पिटल से उठ के यहाँ पे आया बैठा हूँ, जबकि आज उन्होंने एडमिट करना था। मेरा नाम अमित है। फादर साहब का नाम? फादर का भाऊ जी ऐशी लाल दीवान, और जिसने हमला करा हमारा चाचा बिट्टू उपदेव राज, जिसको हमने भाऊ जी अपना लीवर दे के हमारे छोटे भाई ने इसकी जान बचाई, हमारे छोटे भाई ने आशीष ने, आज से 3 साल पहले मरने वाला था भाऊ जी, इसके लड़के ने इसको लीवर नहीं दिया, इसकी बेटी ने नहीं दिया, मेरे छोटे भाई ने इसको लीवर दिया। पुलिस की कार्रवाई से क्या आपको कुछ है संतोष है? नहीं हो रही कार्रवाई। पुलिस कार्रवाई भाऊ जी 2 घंटे से उनको फोन कर रहे हैं तो वो आ नहीं रहे थाने में, और ये भी उनका आराम से इंतजार कर रहे हैं, जबकि मेरी तबीयत खराब है, पिताजी की तबीयत खराब है, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं खड़के, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही भाऊ जी यहाँ पे इस टाइम। अमित लाल दुकान है सर, खेल बाजार आपकी दुकान है। इनका वैसे तो पारिवारिक मैटर है, जो इसके चाचा जी हैं उसने अपने लड़के के साथ आके इसकी दुकान पे इसके साथ मारपीट वगैरह इसकी दुकान में कर दी है और इस बारे में मुकदमा दर्ज हो गया है। FIR नंबर 656 है, धारा 323, 506, 452, 427, 34। तो इसमें सर अभी बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज देखी है आप लोगों ने? CCTV फुटेज वगैरह चेक कर ली है, उसकी CD तैयार करने ने दे दी है। तो क्या कुछ सामने आया सर जी? CD में तो फुटेज में दिख रहा है दुकान के अंदर कुछ के साथ मारपीट करते हुए जो है दोनों अमित के साथ मारपीट करते हैं। इसमें इन्होंने जो एक्सरे वगैरह किए हैं उनकी एक्सरे रिपोर्ट वगैरह लेनी है,
आज संडे है, सोमवार या कल एक्सपे कोर्ट में कितने कल ही रेस्ट कर ले, कार्रवाई की जा रही है। अब संभाल में सारी बातें पहुँच रही है, इसको एक्सपे कोर्ट आने के बाद साथ ही साथ रेस्ट कर।